हर हर महादेव संग गौरा पार्वती एपिसोड 77 रुद्र संहिता पार्वती एवं दैत्यखंड मैनो और हिमालय की बातचीत पार्वती तथा हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब तुम स्वर्ग लोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो विगर्गामिनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह यही समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, देवी मैना, मैं यथार्थ और तत्व की बात सुनाता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करें। मैंने के यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं, इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हिमवान की यह बात सुनकर मीना को बड़ी प्रसन्नता हुई। तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने उसके पास गए, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मीना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गृहप्रिया मीना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही काट गई। तब भी सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका बोली, माता को बारंबार आश्वासन दे, तुरंत कही। पार्वती ने कहा, माँ तुम बड़ी समझदार, मेरी ये बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती। माता जी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। नारद यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णता कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न से सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले, गिरिराज ने कहा, प्रिय पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है, मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे, नारद जी ने वर के जैसे बताए थे उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। ये बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री के साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही है। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने ही मैं वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वही रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। तथा प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है, तुम निश्चित समझो, यह मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षे शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्तिवर्धक और उत्तम है, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीति पूर्वक वर्णन करने लगे। ये सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोगों में वृद्ध की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन ना पाकर
भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगाई जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो ये भगवान शिव चिरकाल तक सुसर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म है। निरंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गई और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गई। उन्होंने उस बालक के चार भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य धृति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुसह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत अपने गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगे। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंस कर उसे खिलाने लगे। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतिकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु यह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुदेव यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। ये सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा, तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की और पियों की आज्ञा को श्रोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्होंने उन्हें आत्यंतिक सुख मिला। वह बालक भाम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए जो शुक्र लोक से ऊपर। पधार महादेव सर्वारा पार्वती।